अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हैं सब दोस्त? दोस्तों आज का व्लॉग शुरू करते हैं। धूप जाल में बैठे हुए हैं, मौसम बहुत ख़राब हुआ पड़ा है। ये देखें बादल ही बादल हैं और मेरे ख्याल में बारिश भी है ना, थोड़ी सी बारिश भी आई। ये देखें हवा ठंडी चल रही है, बादल बहुत ज़्यादा हुए पड़े हैं। अभी मैं ऊपर आया था, देखते हैं बर्ड्स ठीक हैं। कल मुर्गी एक मेरी बीमार हुई थी तो मेरे ख्याल में मुझे खबर मिली है वो रात को डेड हो गई है, तो मेरा ऊपर आने को दिल ही नहीं कर रहा था, फिर भी मैं आके देख रहा हूँ। ये देखें एक ही मेरे पास मुर्गी थी सील वाली और वो रात को डेड हो गई है। देखें दोस्तों बहुत नुकसान हुआ है, अंडा भी दिया है इसने, इसकी टांगें ना बंद हो गई थी जिसकी वजह से ये दोस्तों डेड हो गई। जो परिंदों से जब प्यार होता है ना तो वैसे डेड हो जाए, दिल ही नहीं करता आने का ऊपर, तो इसको उठाते हैं जैसे। और ये बग्गू काले तो माशाल्लाह ठीक है, ये सारे अंडे इसके पड़े हुए थे, मैंने तो बच्चे निकालने थे इसके, पता नहीं इसको क्या हो गया दोस्तों, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। बहुत प्यारी मेरी मुर्गी थी, ये डेड हो गई। बग्गू कालों को खोल देते हैं कुछ देर, इनको तो छोड़ें, बाकी परिंदों को तो छोड़ दें। मुर्गियाँ जा रही हैं बाहर, तोते माशाल्लाह मेरे ठीक हैं, तोते धूप सेक रहे हैं और ये लैड लगी हुई इनके लिए। ये देखो इनका दाना पानी पड़ा हुआ है। मुर्गियाँ अंडे दूसरी देसी ने दिए हुए हैं मेरे ख्याल में, वो उसका बहुत मुझे अफसोस हो रहा है दोस्तों, बहुत प्यारे थे मेरे। बच्चे भी भूखे हैं, इनको भी डालते हैं दाना पानी। मैंने वगैरह वो भी बैठा है, काफ़ी बड़ा हो गया माशाल्लाह, खड़ा होने लग गया माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरे लक्की ने बच्चे निकाले हुए, ये देखिए पता नहीं एक है दो दो बच्चे हैं माशाल्लाह। और इधर भी अंडे पड़े थे, मैंने तोड़ दिए, तो झगड़ा बहुत कर रहे थे। दोस्तों एक दफ़ा मैं ना वो बच्चे गुम हुए पड़े हैं, बच्चे देख लूँ किधर गए, छोटे बच्चे मिलने गए। दोस्तों ये देखिए ये बैठे हैं, मैंने कहा पता नहीं उधर घोंसला तो उस साइड में है, बच्चे पता नहीं किधर गए हैं। मेरे ख्याल में इधर दराजी ने अंडे निकाले, वो देखे कितने प्यारे बच्चे हैं। और ये देखे ये भी दो बच्चे बैठे हुए हैं, इधर भी अंडे निकाले हुए हैं। और ये अंडा हाँ मेरे ख्याल में लक्की का होगा, तो इनको दाना वगैरह डालते हैं, धूप निकला ही है मेरे ख्याल में। तो इस मुर्गी को उठा के बाहर फेंकते हैं, बहुत अफसोस हो रहा है यार इसको, तो पता नहीं क्या हो गया। मुर्गा माशाल्लाह ठीक है मेरा, और देसी वाले भी ठीक हैं, ये तो माशाल्लाह फ्रेश है। उसको ना बैठ गई थी टांगों से, चला ही नहीं जा रहा था। ये कबूतर भी माशाल्लाह धूप निकली है, अब बाहर बैठे हैं। तोते भी डब्बों में ना बॉक्स में जाना शुरू हो गए हैं दोस्तों। ये देखे बग्गू बैठा दाने खा रहा है और इधर अंडा अंडा पड़ा हुआ। ये देखो ये अंडा उसका है देसी वाली का, ये बाहरी अंडे दे रही है। मैंने इसको मेडिसिन भी दी थी, ये वाली मेडिसिन मैं इसके लिए लेके आया था, मैं कहा इसको देते हैं, पर रात को मुझे खबर मिली है वो डेड हो गई। ताकत के लिए थी, जिससे ना ये चला नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा जोड़ों को ताकत के लिए दूध के साथ देनी है, तो मुर्गी मेरी डेड हो गई। दोस्तों इन सबको ना दाना पानी कर दिया मैंने, कबूतरों को भी दाना वगैरह डाल दिया था, और ये जो तो दाना वगैरह खा रहे हैं सबको डाल दिए, मुर्गियों को भी दाना वगैरह दे दिए, जो भी दाना खा रहे हैं। ये खून भी निकला हुआ, ये अंडे पड़े हुए हैं इसके, इनको मैंने ना सब्जी ही है तो बंद ही कर दिया है इसको ना, ये दाना वगैरह डाल के ना बंद कर दिया, अगर सर्दी ना लगे इनको। और बच्चों के लिए मैंने अंदर ही दाना डाल दिया था, ये देखें ये डाल दिया, ये भी खा ले, और दूसरी दाना खा के बैठ गई, वो उसकी परवरिश नहीं कर सकेगी। और ये देखें तोता को भी डाल दिया दाना, इनको चोगा वगैरह सबको दे दिया मैंने,
और बाल्टी को इधर एक साइड पर रख देते हैं ताकि ये मुर्गे वगैरह खाते रहे। ऐसे उनका पानी बाहर भी पड़ा है, अंदर भी पड़ा है, जिधर भी बैठना हो बैठ जाएंगे। वो एक मुर्गी जा के उस साइड पर बैठ गई है, वो देखें, ये देखें, ये मुर्गी एक बैठ गई है वो जाली के पास। यानी कौन सी जगह ढूंढ रही है वो, इधर अंडे दे रही। चलो देखते हैं ये क्या करती है, अंडा देगी मेरे ख्याल में। ये तो माशाल्लाह ठीक है सारे, उसको मैंने वो डाल दिए शापर में, उसको नीचे छोड़ के आते हैं। और इनको पानी वगैरह भी डाल दिया, दाना इन्होंने ख़त्म कर दिए। चलो दोस्तों आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर फॉलो कर दिया करें, और लाहौरी मिनी व्यू 96 को सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।